इस पौधे का तांत्रिक टोटका एक बार में ही आपको बना देगा धनवान। किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। धन के बिना सुख समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोग धन प्राप्ति के लिए तरह तरह के टोने टोटके के उपाय करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र में भी धन को आकर्षित करने के कई उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर लें ये उपाय, आपकी हर इच्छा हो जाएगी पूरी। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट की ऊंचाई तक का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन को आकर्षित करने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है। सहदेवी के पौधे का ये उपाय है सर्वोत्तम। सहदेवी के पौधे को रवि पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे शुभ अवसर पर अपने घर में ले आएं। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आएं। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी पौधे के उपाय और लाभ। सहदेवी की पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमीदार चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कोई कमी नहीं रहती और धन लगातार बढ़ता जाता है। रसोई घर या अनाज के रखने वाले कक्ष में यदि सहदेवी के जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती। घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोषों को सहदेवी का पौधा खत्म कर देता है। कोई भी कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधें या जेब में धारण करके जाएं, निश्चित ही विजय मिलेगी। सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वशीभूत रहेंगे। सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जीवा पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है। हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। सहदेवी के जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। सहदेवी की जड़ को दाहिनी बांह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन पाने के लिए तमाम तरह के उपाय और टोटके किए जाते हैं लेकिन सहदेवी के पौधे से जुड़ा टोटका बेहद असरकारक और चमत्कारी माना जाता है। ज्योतिष में भी इस पौधे से जुड़े टोटकों के बारे में बताया गया है। धनवान बनने के लिए भी इस पेड़ के टोटके को खास माना जाता है। इसके अलावा इसके टोटके से घर में सुख और शांति भी बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे ऐसी हमारी कामना है। हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।